हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ अ कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं शाम पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस आप लोगों के लिए डेली लाती रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में आपको एक 47x38 का एक प्लान और साथ ही साथ उसके कॉलम लोकेशन भी लेके आया हूँ। तो ऑलरेडी ये प्लान मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और काफ़ी डिटेल के साथ मैंने इसमें वहाँ पर हर चीज़ शो किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो को लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। बस इस वीडियो में आपको शॉर्टली एक कॉलम लोकेशन बता के इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दे तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बना के ज़रूर शो करूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ नॉर्मल चार्जेस है, वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे कोई प्लान वगैरह सर्च कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर सर्च करें। मैंने काफ़ी सारे प्लान बना के आप लोगों के लिए अपलोड किया है और काफ़ी सारे कैटेगरीज में, जैसे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अपार्टमेंट और बंगलों के भी कुछ प्लान मैंने बनाए हैं। एलिवेशन वगैरह भी और सेंटर लाइन के भी डिटेल वगैरह मैंने देते रहता हूँ। तो एक ही प्लान की मैं काफ़ी सारे डिटेल देते रहता हूँ, जैसे कि प्लान उसके साथ साथ कॉलम कहाँ पे आना चाहिए, कॉलम लोकेशन और सेंटर लाइन प्लान भी आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, कोई ना कोई प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा। और कम से कम प्लॉट का साइज़ भी है तो मैं काफ़ी बढ़िया से बढ़िया उसका प्लानिंग भी दे चुका हूँ। तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिए, कोई ना कोई प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको प्लान शो करता हूँ। तो ये प्लान 47x38 में प्लान है। क्लाइंट की क्लियरली रिक्वायरमेंट थी कि उनको रेंट पर्पस के लिए ये प्लान बनाना है और उनको दो पोर्शन 2 BHK वो चाह रहे, तो वो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है। तो आपको शो करता हूँ। मैंने फ्रंट साइड यहीं पे मेन गेट लिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरफ। तो मैं आपको टोटली एक पोर्शन एक्सप्लेन करता हूँ और एक पोर्शन एज इट इज़ आपको सेम इसका मिरर है। तो देखिए, यहीं पे मैंने फ्रंट साइड स्टेयर्स लिए जो कंटिन्यूसली फ्लोर बाय फ्लोर कंटिन्यू हो सकते हैं, कितने फ्लोर भी आप लेना चाहे तो। ये रेंट पर्पज़ के लिए स्टेयरगेस वगैरह फ्रंट साइड लेना बेहतर है, क्योंकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, ये आउटसाइड से आउटसाइड निकल जाएंगे डायरेक्टली फ्लोर बाय फ्लोर। तो यहाँ पे ये हॉल है, हॉल के इसी तरफ मैंने यहाँ पे किचन भी प्रोवाइड किया है और यहाँ पे पैसेज है। एक पैसेज से होते हुए आपको दो बेडरूम के लिए एक कॉमन WC बाथ और यहाँ पे एक बाथ भी एक्स्ट्रा मैंने प्रोवाइड किया है। तो ये इसके लिए आपको बैक साइड यहाँ पे पैसेज में इसका जाने के लिए वे मिलेगा। तो इसके डायमेंशन वगैरह आपको मैं शो नहीं करूँगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और ना इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अब आते हैं इस कॉलम की तरफ, जहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बैक साइड मैंने 5 कॉलम प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इसी के लाइन में मैंने यहाँ पे भी 5 कॉलम प्रोवाइड किया है और यहाँ पे भी 5 है और इस तरफ भी 5 है। तो टोटल मैंने इस प्लान में 20 कॉलम में इस प्लान को मैंने सेट किया है, जो काफ़ी बढ़िया सेट हो गया है। तो ये कॉलम मैंने एज्यूम किया है एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप इस प्लान को फाइनल करते हो इसी कॉलम लोकेशन के साथ, आप ऑन साइट पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो एक बार स्ट्रक्चरल से कांटेक्ट ज़रूर करें। प्लॉट के डिटेल्स और ये प्लान कॉलम लोकेशन उनको एक बार शो करें। जब फाइनल हो जाएगा तो आप इसके स्टील वगैरह डील आप वहाँ पर ले सकते हो। तो ये एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो क्रॉस टैली आप ज़रूर करें। तो ये कॉलम मैंने अज्यूम किया है 9 इंचेस बाय 15 इंचेस का मैंने ये कॉलम साइज़ लिया है। तो देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक साइड मैंने 1.5 फीट का साइड बैक छोड़ा है, जो वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रंट साइड मैंने टोटली इसको यूज़ किया है। तो ये आउटर शाउटर 47 है और यहाँ से ये आउटर शाउटर 38। तो ये काफ़ी बढ़िया सा प्लान सेट हो गया है जो आपको मैंने आपको शो किया है। आप चाहे तो उसको रेंट पर्पस के लिए भी दे सकते हैं
या फिर आप प्लॉट बनाकर उसको सेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, प्लान ये आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और कुछ सजेशन भी देना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो चलिए, खुदा हाफिज़।